राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जनपद संभल की चंदोसी में आज समाजवादी पार्टी द्वारा एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सपाइयों ने केंद्र व सूबे की सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती, बलात्कार, निजीकरण, विद्युत कटौती, किसान बिल सहित अन्य मुद्दों पर घेरा। उसके बाद बड़ी संख्या में सपाइयों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को माननीय महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने बीजेपी सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान, पूर्व जिला महासचिव हरवीर यादव, चंदौसी से पूर्व विधायक लक्ष्मी गौतम, वर्तमान जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधार और युवा नेत्री मोनी कुमारी सहित सपा के अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जनपद के अन्य तहसीलों में भी धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस विषय में समाजवादी पार्टी के चंदौसी से पूर्व विधायक रही लक्ष्मी गौतम ने कहा कि सरकार किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार है। यहाँ की जनता 2022 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इन मांगों को लेकर दिया है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, इन दोनों के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। ये किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार और ये बेरोजगारी की सरकार। इस सरकार से ज़्यादा ना तो कहीं बेरोजगारी हुई। इसने जिन बातों पे ये सरकार आई थी, ये सब बातों पे निकम्मी है और इससे भारतीय जनता पार्टी से बुरी सरकार कोई ना कभी साबित होगी और ना हुई थी। ये तीन बिल जो हम कल इन्होंने जो राज्यसभा में बिल पास, जबरदस्ती बिल पास किया है, सबसे मेन चीज़ इन्होंने किसान को मारने का काम किया है। किसान की रोजी रोटी सब चीज़ हाथ पैर काट के ही अपने पास रखेंगे, किसान को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं और उसकी जमीन भी गिरवी रख देंगे। उसकी जमीन का फसल का मुआवजा पहले ही तय करा जाएगा कि भाई आप अपनी फसल के कितने रुपए में बेच रहे हैं, बताओ। किसान फसल करने से पहले बेच देगा, एक रुपए के माल को ये 10 पैसे मिलेंगे और विदेशी कंपनियों के हाथ हमारे हिंदुस्तान की जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। इतना बुरा बिल है ये, इस पूरे हिंदुस्तान को ये बेचने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये काला कानून है और इसका हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखेड़ने का काम करेगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, ये कोई किसी भी प्रकार की इनकी कोई कार्य प्रणाली जो है, जो इनकी करनी कतनी सब में गलत है। और ये जो डीजल और पेट्रोल के लिए मोदी जी बोलते थे, आज देख रहे हैं आप डीजल और पेट्रोल कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है। किसी के पास रोजगार है, 2 करोड़ रोजगार देते थे, ये 2-2 करोड़ रोजगार छीन रहे हैं। जीडीपी कहाँ गई, आप देखिए कहीं कुछ है। आप देखिए हिंदुस्तान पे कितना कर्जा है, हिंदुस्तान का सोना तक इन्होंने गिरवी रख दिया। अब देश की जमीन किसानों की बची थी, किसानों की जमीन गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर, इस काले कानून का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी विरोध करती है और एक एक नागरिक इसका विरोध करता है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जो वायदे किए थे वो पूरे किए, मगर जब से बीजेपी सरकार आई है ना, तो जितने भी हमारे संविदा पे रहे या नहीं अन्यथा और कोई वायदे रहे थे, वो कोई वायदा बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया। आपने देखा है कि जो BA MA करा हुआ हमारा नौजवान आज खेत में घास खोद रहा है, ये नौबत तो ला दी। दूसरी नौबत ये लाई कि हमारी माँ बहनें जो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, अपना जो मैं वो पूरा मुद्दा बता रही हूँ आप लोगों को कि जो कभी 100 रुपये 500 रुपये बेचारी कुच्चा करके रख लेती, बीजेपी सरकार ने वो भी निकलवा लिया उन बहनों से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद ये दिन भी कम पड़ जाएगा और रात भी कम पड़ जाएगी कि समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं करा, ना युवाओं के साथ करा, ना क्या कहते किसानों के साथ किया था। मैं चाहती हूँ कि ये बीजेपी सरकार हमेशा लूटती है और लूटती रहेगी और लूटेगी। मैं अपने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि 2022 में वो इन्हीं आएगा, इन्हीं वो झंडा लहराएंगे कि बीजेपी सरकार को अपनी पूरे उत्तर प्रदेश से भगा देंगे।